हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज रात का लास्ट डे है, तो आज अभी मैं भी उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नहाना कंप्लीट हो चुका है, पूजा भी कर लिया मैंने। अभी बस मुझे हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि कल रात में ना ऑयल लगाना भूल गई थी बालों में, तो लेट हो गया था, ध्यान ही नहीं रहा, एक बार सोचा था फिर भूल गई। तो अभी मॉर्निंग में ऑयल लगाया है, अभी थोड़ी देर में हेयर वॉश कर लूँगी। और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के पिताजी नहीं हैं, तो वो श्राद्ध का थोड़ा बहुत जो उनको आता, वैसे मुझे भी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन घर में बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन हमारा जो मतलब अपने विचार से सोचा कि भाई इनका भी फर्ज थोड़ा पिताजी के प्रति बनता है, तो इनसे कहा। तो मम्मी ने मेरी जो थोड़ा बहुत बताया कि हाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो नॉर्मली हम थोड़ा सा कर लेंगे। बिकॉज दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा बारिश है कि वो जो गांव में उपले वगैरह मिलते हैं जिनसे आग बनती है, वो सब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। गए हैं मेरे हस्बैंड, अगर मिल जाता है तो वो ले आएंगे। और भी मैं ना खाना बनाती हूँ उनके। पंडित जी नहीं आने वाले यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पंडित का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मेरी वीडियो में साथ में बने रहे। आज देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ और कैसे उनकी पूजा का मतलब पिताजी की, मतलब उनके पिताजी वो कैसे करते हैं ये सब, क्योंकि हमें और इनको ज्यादा नॉलेज घर में सभी लोग बड़े हैं, उनको नॉलेज भी है पर कोई बताता भी नहीं कैसे क्या करना। देर में मिलते हैं, फिर खाना बनाते बनाते आपसे बातें भी होती रहेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ, तो वो आप मेरी वीडियो में बने रह के देखें। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और जो भी न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं किचन में आ चुकी हूँ, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया और अभी बना लेते हैं, काम बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं उड़द की दाल पीस रही थी, क्योंकि उड़द की दाल का जो पेस्ट होगा उससे छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनती हैं, वो भी बिना नमक की। तो मैं फ़िलहाल अभी तैयारी उनके मतलब अघियार की करने की कर रही हूँ, उसमें पूड़ी और खीर और उसके साथ कुछ उड़द की दाल की छोटी छोटी बिना नमक की पकौड़ियाँ चाहिए होती, तो मैं उसी को बना लेती हूँ। यहाँ मेरी सिस्टर भी आई थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम साइड में चटनी तैयार कर लो धनिया और लहसुन मिर्च का, क्योंकि साइड से सही रहेगा। और आपको पहले भी था किचन में जगह है नहीं और जगह स्पेस कम होने की वजह, इसलिए बार बार मिक्सर उतारो, काम करो, ऊपर रखो। और उसके बाद अभी बारिश बंद हो चुकी थी, हस्बैंड भी नहा के आ चुके, एक्चुअली वेट कर रहे थे कि हाँ हो सकता है उपले मिल जाए। तो बाद में आंटी ने बताया कि उन्होंने रखे हैं, तो ये दो उपले उनसे मिल गए। बारिश भी लगभग बंद हो चुकी है, तो हम लोग बोले जल्दी से बना लेते ताकि, और तो आज संडे का दिन था तो थोड़ा सा और सारा काम लेट हो रहा था, सबका लेट उठना और धीरे धीरे, बाकी मेरा प्रोसेस तो पूरा वही है चल ही रहा था, क्योंकि हमें साफ सुथरा बनाना होता है उनको चढ़ाने के लिए, चाहे वो पितृ देवता हो और चाहे भगवान जी हों। पितृ देवता और भगवान सबके लिए सेम ही होता है, भाई साफ सुथरा बनाओ जिसमें जूठा बिल्कुल ना हो। तो किचन एक बार साफ किया, उसके बाद उसकी तैयारी करने लगे। और बच्चे हैं तो बच्चे भाई टाइम के हिसाब से नहा के आते, तो बच्चे भूखे हो जाते हैं। यहाँ पे भी हस्बैंड भी बार बार आके, वो बस वो नहा के रेडी हो चुके थे, तो उनका मतलब था जल्दी मुझे दे दो मैं पूजा करूँ, क्योंकि उनको भी भूख लग चुकी थी और टाइमिंग हो भी चुका था, 10 बज ही रहा था। तो वही फिर मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही ताकि हो जाए। और मौसम का कुछ पता नहीं, क्योंकि बदली है, अभी बारिश नहीं हो रही पर बादल है पूरा, तो इसलिए सोचो जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि वो अपना एक साइड कर दें उनके पिताजी के नाम से, उसके बाद फिर अपना काम धीरे धीरे होता रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी बारिश बंद हो चुकी थी और हम लोग उपला भी मिल चुका था, तो हमने यहाँ पे कर लिया, क्योंकि आंटी ने कहा ना कि छत पे बिखरना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने तावा के ऊपर रख के जला लिया और ये अपना इसी हिसाब से कर लिए, बिकॉज बारिश बंद हो चुकी थी, हम लोग सोचे जल्दी से निपट जाए। और यहाँ पे देखो मैंने आज ब्रेकफास्ट में इन लोगों के लिए खीर और चटनी, क्योंकि अभी सब्जी नहीं बना पाई थी, अचार है टू टाइप्स के और दाल वाली पूड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ और अपनी वीडियो का भी यहीं पे दी एंड करते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। जो कुछ था रात का वो मैंने थोड़ा बहुत जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय बाय।